अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल प्रॉपर्टी वाली सरकार और ये है VWS एक्स्ट्रा का 17वां एपिसोड। अब एपिसोड को शुरू करने से पहले दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये है कि भाई हमने लाइटें फाइनली नई ले ली हैं। आज इन्हें फर्क दिख रहा होगा। असद ऐश्वर्या राय नजर आ रही है कि नहीं, मुझे ये बताएं ईमानदारी से। असद की शक्ल चेक करें, मैं मतलब ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता रिकॉर्डिंग के दौरान। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास इस तरह की दो बोतलें हैं। एक बोतल में जो ग्लास को साफ करने वाला होता है वो पानी है और दूसरी बोतल में हमने थिनर डाला हुआ है, कभी कोई मोबाइल गंदा हो जाए तो। आज गलती से मिक्स हो गई और टेबल गंदा था, मैंने मार दी, टेबल की पॉलिश में सुराख हो गए हैं। तो जब तक ये टेबल अच्छा लग रहा है तब तक आपको इसी टेबल पे VWS एक्स्ट्रा मिलेगी, उसके बाद हम टेबल बदलेंगे या पॉलिश दोबारा करवाएंगे। लेकिन कभी भी थिनर को किसी नॉर्मल बॉटल में ना डालें और थिनर अगर टेबल आपको बुरा लग रहा है तो सपोर्ट करें ना, ताकि हम दोबारा टेबल ले सकें। हाँ, और थिनर नहीं मारना चीजों पर, ये आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है। ये मोटिवेशन किस चीज की है, चले मेरी भी इंग्लिश उतनी ही की है। खैर, आज जो पहली खबर है बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की खबर है और ये वो लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है जो कि मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को रिकमेंड किया था कि आप एप्पल की M1 चिप वाली जो मैकबुक है वो ले लें, एप्पल के M1 वाले जो मैक मिनीज है वो खरीद लें, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है उनकी प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी है। इनफैक्ट हमारे ऑफिस में भी जो एडिटिंग के लिए पीसीज यूज हो रहे हैं वो सारे मैक मिनीज हैं और वो M1 चिप वाले हैं जो लेटेस्ट आए हैं। लेकिन सीन ये है कि रिसेंटली एक नया मालवेयर डिटेक्ट हुआ है जो कि तकरीबन 30,000 M1 मशीन्स को ऑलरेडी इन्फेक्ट कर चुका है। अब 30,000 एक बहुत छोटा नंबर लगता है जब आप बात करते हैं पूरी दुनिया की, लेकिन आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि M1 चिप्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा लेटेस्ट हैं, तो अभी ये ज़्यादातर लोगों के पास मौजूद नहीं है। तो उस हिसाब से 30,000 का जो नंबर है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है। और मेरे हिसाब से अगर आप इस टाइम पर M1 यूज़ कर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर पे ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुकी है एप्पल की तरफ से, उसको प्लीज डाउनलोड करके जल्दी से इंस्टॉल कर लें, क्योंकि ये जो मालवेयर है इसके बारे में अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है कि ये क्या क्या नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि अभी ये सिर्फ एक रास्ता है जो ओपन हुआ है। इसके थ्रू जो हैकर्स हैं वो कोई भी कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो जो किया है वो अभी कोई रिजल्ट नहीं आया, अभी कोई रिजल्ट नहीं आया, मतलब उनने कोई मसला नहीं किया, लेकिन एक दरवाजा है जो नजर आया है, पता चल गया कि ये लूपहोल था, तो उसको पहले ही बंद कर लें इससे पहले कि कोई और आए। और अगर आपके मैकबुक पे या आपके मैक पे कोई भी सिक्योरिटी अपडेट आई हुई है तो उसको अभी इंस्टॉल कर लें, क्योंकि ये जो मसला है आगे चल के बढ़ भी सकता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज़ है और ये न्यूज़ उन लोगों के लिए खास तौर पर बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होगी जो कि आईफोन और एंड्रॉयड दोनों यूज़ करते हैं। आईफोन्स के अंदर सब कहते हैं कि इसका यूज़र इंटरफेस बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, तो उसके फ्रेंडली होने में एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि आप इसके ऊपर जब भी कोई काम करते हो ना तो आपको वाइब्रेशन का बहुत ज़्यादा फीडबैक मिलता है। जब आप कीबोर्ड पर टाइप कर रहे होते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि आप टाइप कर रहे हो। उसके अलावा अगर आप कोई भी बटन प्रेस करते हो, अगर मैं यहाँ पर इसकी ये जो टॉर्च है इसको ऑन करता हूँ बटन से, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने असल में बटन दबाया है। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि इसके अंदर जो वाइब्रेशन मोटर लगी होती है वो बहुत स्ट्रांग है, और उसके अलावा जो सॉफ्टवेयर है आईफोन की उसमें भी वाइब्रेशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया गया है, जिसको हैप्टिक भी कहा जाता है। अब ये जो चीज है एंड्रॉइड वाली साइट पर भी आने वाली है, उसकी रीजन ये है कि क्वालकॉम जो कि बहुत ज्यादा चिप्स बनाते हैं वो और एक नई कंपनी मिलकर एंड्रॉइड वालों के लिए ये चीज अब स्टैंडर्ड बनाने वाले हैं, और फ्यूचर में इसके ऊपर स्नैपड्रैगन बकायदा तौर पर काम कर रही है। तो ऐसी डिवाइसेस जिनके अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लगा होगा उनके अंदर एक खास सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क दिया जा रहा है, जिसके थ्रू जब आप उसको यूज करेंगे तो आपको जो वाइब्रेशन का फीडबैक है वो बेहतर देखने को मिलेगा। तो ये नई डिवाइसेस में आएगा, पुरानी डिवाइस में अपडेट के थ्रू किसी तरह नहीं होगा। यार ये अपडेट के थ्रू आ भी सकता है, उसकी रीजन ये है कि अगर वो स्नैपड्रैगन का फोन है तो ये एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है, सॉफ्टवेयर अपडेट, तो टेक्निकली जो अपडेट है वो क्वालकॉम प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे, क्योंकि जब भी कोई कंपनी नया फीचर बनाती है तो उनकी कोशिश होती है कि उसको नए मोबाइल फोन में डाला जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनको खरीदें। लेकिन अगर स्नैपड्रैगन चाहे तो वो कर जरूर सकते हैं, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड जो तरीकेकार है उसको तो इसके बैक पे कोई मोटर वगैरह ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं ऐसा नहीं फिर हो सकता। ओके, नेक्स्ट न्यूज बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज है, जहां पर खबर ये आ रही है कि Xiaomi स्मार्ट बैंड 6 जो कि बेसिकली मी बैंड 6 होने वाली है, उसका नाम एक तो चेंज होकर Xiaomi स्मार्ट बैंड 6 होगा, और दूसरी चीज ये है कि अब ये जो बाहर चाइना से इसके लॉन्चेस हैं उनके लिए गियर अप हो रही है। तो बेसिकली जब भी आप कोई प्रोडक्ट किसी कंट्री में लॉन्च करते हैं तो आपको डिफरेंट अप्रूवल्स देनी पड़ती हैं, और इस पॉइंट पर जो मी बैंड 6 है उसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा अप्रूवल्स हमें डिफरेंट कंट्रीज से देखने को मिल रही हैं। इंडिया में कोई BIS अप्रूवल होती है वो भी सामने आई है, उसी तरह आप बाकी कंट्रीज की भी अगर बात करते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट सर्टिफिकेट होते हैं हर मुल्क के,
तो वो जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सामने आने लग गए हैं, जिसका मतलब ये है कि दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि Xiaomi Mi Band 6 का जो लॉन्च है वो बड़ा करीब है, और दूसरी बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि इस बार शायद जो लॉन्च है वो इंटरनेशनल मार्केट और चाइना में करीब करीब हो, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि चाइना में लॉन्च होने के बाद ये सर्टिफिकेट सामने आते थे। अभी तक ये चाइना में लॉन्च नहीं हुई, लेकिन सर्टिफिकेट्स जो हैं वो हमारे सामने आने लग गए हैं, जो कि हमें ये चीज़ बता रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये जल्द ही चाइना और पूरी दुनिया में, ये खबर भी किसी और कंट्री से आई है ना, मतलब इंडोनेशिया की, ये खबर भी इंडोनेशिया की खबर है। और इसमें जो लीक्स आ रही है Mi Band 6 के रिलेटेड वो ये हैं कि पहली चीज तो इनमें SP02 मॉनिटर होने वाला है, जो कि आपके ब्लड के ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर कर सके। अब रियलमी वाली साइड की अगर आप बात करते हैं तो रियलमी की वॉचेस जो है उनमें भी ये चीज मौजूद है, और ऑनर काफी टाइम से ये चीज प्रोवाइड कर रहा है। और रिसेंटली जो कोविड का स्पाइक आया था उस दौरान ऑनर के जो बैंड थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गए थे, क्योंकि उनके अंदर ये मीटर मौजूद था और ये काफी हद तक वैसे ही काम करता है। ऑनर की पहली कोई बैंड थी आई थिंक उस टाइम पे, लेकिन उसमें पहले से फीचर था, तो वो ऑनर बैंड 4 से आगे सब में है, 5 में भी है और जो 6 आई है उसमें भी है, तो वो चीज भी यहाँ पर मौजूद है। और देखने में आएगा कि ये कितनी ज्यादा डिवाइसेस जो हैं उनमें लॉन्च होता है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि शायद इस बार जो Mi Band 6 है उसके मल्टीपल वर्जन आए और शायद एक ही वर्जन आए, तो वो चीज भी देखने में आएगी। और उसके अलावा ये भी देखने में आएगा कि ये कितनी ज्यादा सेल होती है, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर आप बात करते हैं Mi Band की तो ये एक बहुत जाना माना नाम है। ओके, नेक्स्ट न्यूज जो यहाँ हमारे सामने आ रही है ये एंड्रॉयड टीवी के रिलेटेड है, क्योंकि एंड्रॉयड टीवी का एक कंपेटिटर हमारे सामने आ रहा है LG की तरफ से। अब अगर आप बात करते हैं स्मार्ट टीवीज की, तो इस पॉइंट पर दो तरह के स्मार्ट टीवीज हैं। एक तो वो स्मार्ट टीवीज हैं जो कि कंपनी अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलाती है, जिस तरह अगर आप LG या सैमसंग की बात करते हैं तो उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है वो उन कंपनी का अपना है। और दूसरी साइड पर वो एंड्रॉयड टीवीज हैं जो कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से आ रहे हैं। आप TCL की बात कर लें, आप Xiaomi की बात कर लें, आप Realme की बात कर लें, आप EcoStar की बात कर लें, हमने रिसेंटली यहाँ पर 3-4 और ब्रांड्स भी जो है वो रिवील किए हैं। इन सब ब्रांड्स के अंदर जो स्मार्ट टीवीज हैं वो बेसिकली एंड्रॉयड टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं, गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। और उसकी बेसिक रीजन ये है कि मार्केट के अंदर अगर आप ओपन प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो सिर्फ एंड्रॉयड अवेलेबल है, तो उस हिसाब से कंपटीशन नहीं है। लेकिन अब जो कंपटीशन है वो सामने आने वाला है, क्योंकि LG अपने वेब OS को, जो कि अभी तक उनके अपने टीवी पे मौजूद था, उसको ओपन कर रहा है थर्ड पार्टी टीवी मैन्युफैक्चरर्स के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर TCL फ्यूचर में चाहे तो फ्यूचर में जाकर वो LG से ये वेब OS ले सकती है, जिसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि TCL बड़ा रिलैक्स्ड है एंड्रॉइड वाली साइड पे। लेकिन मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, एक ऑप्शन तो होगा, एक ऑप्शन होगी। और LG की जो वेब OS है उसको काफी अच्छा भी कंसिडर किया जाता है। कुछ लोग इसके इंटरफेस को एंड्रॉइड टीवी के इंटरफेस से बेहतर कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा चीजें कम है। जब भी ऐसी कोई हरकत होती है ना तो हमें कुछ अपडेट्स देखने को मिलती है फिर एक कंपनी की तरफ से, क्योंकि कॉम्पिटिशन आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ और कंपनीज हमें स्मार्ट टीवी डिवाइसेस प्रोवाइड करती हैं, Amazon हो गई, Roku हो गई, तो वो वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी हैं, लेकिन वो हमें डायरेक्टली टीवीज में बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि Roku का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो सुना अमेरिकन ब्रांड्स में कहीं कहीं पे वो Roku आ जाता है, तो हमारे लिए ये LG का जो ब्रांड है सब पाकिस्तानी भी जानते हैं, तो हो सकता है कि कल को कोई ब्रांड लॉन्च करे जिसके अंदर आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो LG का मिले। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है ये आ रही है PlayStation VR के रिलेटेड, जो कि काफी टाइम से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे ही PlayStation 5 लॉन्च होगी तो उसके साथ हमें एक नया VR हेडसेट और एक नया VR का पूरा सिस्टम देखने को मिलेगा। अब इसके ऊपर कुछ ऑफिशियल न्यूज हमारे सामने आई है, जहां पर सोनी ने ये ऑफिशियली क्लियर किया है कि हाँ हम एक काम कर रहे हैं इस चीज के ऊपर, और PlayStation 5 के लिए जो VR है वो इन द डेवलपमेंट है। लेकिन ये भी चीज उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये 2021 में लॉन्च नहीं हो रहा। उसकी रीजन ये है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस हम कर रहे हैं और इसके अंदर काफी ऐसे फीचर्स हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं जो कि हमने इससे पहले PlayStation 5 के कंट्रोलर में किए हैं। तो इस बार जो बटन्स हैं हो सकता है कि वो भी उसी तरह के ट्रिगर्स प्रोवाइड करें जैसे PlayStation 5 में है। तो हमें वही सारी इनोवेशन जो अभी तो इनके कंट्रोलर पे भी कोई अपडेट आ रही थी ना कि ये करना चाह रहे हैं उस पे। हाँ, अभी तो कंट्रोलर को भी बेहतर बना रहे हैं। PlayStation का काम ही पूरा नहीं हो पाया, वो कुछ जगह पे स्टॉक नहीं है इनका। बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो उस चीज को देख रहे हैं। और PlayStation का VR बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि एक बार जब आप PlayStation खरीद लेते हैं तो उसके बाद ये VR आपको काफी अच्छे ग्राफिक्स काफी कम प्राइस में देता है। क्योंकि दूसरी साइड पर अगर आप Oculus की बात करते हैं तो वो कंप्यूटर पे लगाना पड़ता है, उसमें हैसल बहुत ज्यादा है, आपको ग्राफिक कार्ड सर्च करने पड़ते हैं, जबकि PlayStation वाली साइड पे बस लगाओ और चलाओ वाला हिसाब होता है। तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और इस बार जो VR है वो PS4 के साथ जो आने वाला VR है
उससे काफी बेहतर होने वाला है। ऑल दो ये 2022 या 23 अभी वैसे वो वीआर इस पे यूज हो सकता है ना, हाँ, वो वीआर आप लगा सकते हैं। वेल हम लोग इस चैनल के ऊपर रेगुलरली खबरें दे रहे थे कि एक तो बिटकॉइन ऊपर जा रहा है और एक तरफ टेस्ला ऊपर जा रहा है, और रिसेंटली टेस्ला ने तकरीबन $1.5 बिलियन बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए थे, और ये एक बहुत बड़ी खबर थी जिसके बाद बिटकॉइन जो था वो $50,000 के मार्क से भी ऊपर चला गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बिटकॉइन बीन बिटकॉइन उसकी प्राइस काफी नीचे आई है, आई थिंक 46,000 तक आई है, 58,000 पे बाय द वे जाके फिर नीचे आई है। तो इतना बड़ा जो डिप आया है उसकी वजह से लोगों ने ये सोचा है कि टेस्ला के शेयर भी वो इसी तरह ही खरीदते थे कि लोग, अगर आप कंपनियों की बात करते हैं तो टेस्ला के शेयर इस टाइम दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स जो कि पूरी दुनिया में गाड़ियां बेच रहे हैं उनसे भी ज्यादा महंगे हैं। ओके, तो लोगों ने जिस तरह बिटकॉइन को वॉलेटाइल देखा कि एकदम ही नीचे आ गया, उन्होंने सोचा यार टेस्ला भी आएगी, और यही वजह है कि टेस्ला के शेयर भी बहुत बुरी तरह से ड्रॉप हुए हैं। ऑल्दो एज अ पर्सनल ओपिनियन मैं ये कहूंगा कि टेस्ला के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो एक अमेरिकन ब्रांड है, मैंने यूज नहीं किया, लेकिन जो बिटकॉइन है मुझे ये लगता है कि ये जल्दी दोबारा उस लेवल पे पहुंच जाएगा, और इसके अंदर जो ये डिप आया है ये बिल्कुल टाइम के लिए आया है, इसने दोबारा ऊपर जाना ही है। ओके भाई, नेक्स्ट न्यूज बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज है क्योंकि मेरे ख्याल से इस न्यूज का नाम होना चाहिए कार्मा। व्हाट्सएप फेसबुक ओन्ड कंपनी है और फेसबुक एक चीज के बारे में मशहूर है कि जब कोई वेबसाइट कोई कंपनी ऊपर जा रही होती है तो फेसबुक उसके जितने भी फीचर्स होते हैं उनको कॉपी कर लेती है। इंस्टाग्राम में हमने स्टोरीज को देखा कि स्नैपचैट की स्टोरीज कॉपी हो गई, इसी तरह जब भी कोई भी कंपनी, अगर टिकटॉक की बात की जाए तो टिकटॉक की कॉपी में उन्होंने रील्स बना दिया इंस्टाग्राम। तो अब जब व्हाट्सएप नीचे जा रही थी क्योंकि लोगों ने टेलीग्राम को डाउनलोड किया है, तो टेलीग्राम जो कि पहले ही बहुत ज्यादा फीचर्स के साथ आता है, अब टेलीग्राम ने क्या करना स्टार्ट किया है कि व्हाट्सएप के वो फीचर्स जो टेलीग्राम प्रोवाइड नहीं कर रहा था उनने प्रोवाइड करने स्टार्ट कर दिए कुछ ऐसे फीचर्स। और अगर ये कोई और कंपनी के साथ कर रहे होते ना तो मैं क्रिटिसाइज करता कि आप कॉपी मत करो फीचर्स को ना, इट्स नॉट गुड। लेकिन एक कंपनी जो के साथ हो रहा है मुझे दिल से खुशी हो रही है, उसकी रीजन ये है कि ये कंपनी ये चीज करती रही है तो इनको पता लगे कि कितना बुरा लगता है जब कोई और कंपनी आपके बुरे टाइम में आपके फीचर्स को कॉपी कर रही होती है। तो आई थिंक ये फाइन है, और टेलीग्राम काफी नए फीचर्स जो है वो अपनी लेटेस्ट अपडेट पे लेकर आ रहा है। इसके अंदर आपको कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं आपके ग्रुप के उनको मॉडरेटर्स को कोई चीज आप रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा काफी और फीचर्स हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके ये ऐड कर रहे हैं, सभी उसी तरह पब्लिक प्राइवेट। हाँ, और उसके अलावा जो टेलीग्राम का बीटा है उसमें अब जो लिंक्स हैं आप ग्रुप के लिंक अब क्यूआर कोड के थ्रू भी शेयर कर सकेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन व्हाट्सएप से आ रही है, ये क्लियर है। ओके, नेक्स्ट न्यूज बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज है, न्यूज तो नहीं है बेसिकली, रिसेंटली टिम कुक जो कि एप्पल के सीईओ हैं उनने इन्वेस्टर्स की एक मीटिंग जो थी वो अटेंड की और उसमें रिवील किया कि एप्पल बहुत ज्यादा कंपनीज को पिछले 6 सालों से परचेस करता रहा है, और इस पॉइंट के ऊपर हर 3 से 4 हफ्ते बाद एप्पल एक नई कंपनी को खरीद लेता है। बेसिकली हमें यहाँ पर ऐसा लगता है कि हर चीज एप्पल खुद बना रही है, जबकि होता यह है कि एप्पल देखती है कि एक कंपनी अच्छा काम कर रही है, एप्पल किसी एक पॉइंट पे कोई है जो बाहर जाती है, उन्हें कहती है आप अपनी जो भी रिसर्च है वो भी हमें बेच दें, आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो भी एप्पल के एम्प्लॉय हो गए। तो बेसिकली वो पूरी कंपनी को ही एप्पल के इकोसिस्टम में ले आते हैं। हमने फेस आईडी में देखा कि एक इजरायली कंपनी थी जिसने ये असल में टेक्नोलॉजी बनाई 3D वाली सारी, लेकिन उन्होंने वो पूरी कंपनी बाय की, उस टेक्नोलॉजी को आईफोन में डाल दिया और फेस आईडी इंट्रोड्यूस कर दी। तो एप्पल ये करता रहता है और इनकी स्पीड असल साहब आप देख ही सकते हैं कि वो तो फिर बहुत आगे जा रहे हैं। एग्जैक्टली तो भाई अगली खबर आ रही है गेमर्स के रिलेटेड, जैसे कि मुझे भी गेमिंग का बहुत शौक है और गेमिंग मोबाइल्स जो है ना लिनोवो में तो काफी सस्ते भी आते मुझे हैं। मुझे तो पता नहीं कितना गेमिंग का शौक है, 3-4 बार एडिटिंग के लिए बाहर भेजा तो गेम खेल रहा था। तो बस होता है इस तरह। अब एक अच्छी चीज आ रही है लिनोवो की तरफ से, उनका लीजियन आ रहा है मोबाइल। हाँ, जो लीजन प्रो 2 के नाम से आएगा, बेसिकली इन्होंने लास्ट ईयर लॉन्च किया था लीजन प्रो को, और अब जो लीजन 2 प्रो है ये बेसिकली उनकी टॉप एंड डिवाइस होने वाली है। स्नैपड्रैगन 888, 16GB रैम, और अभी को जो लीक्स है उसमें 5000mAh की बैटरी, एमोलेड डिस्प्ले और 144Hz का रिफ्रेश रेट है। तो जितनी भी ये गेमिंग कंपनीज हैं इनको रियलाइज हो गया है कि अब गेमिंग लैपटॉप्स के साथ साथ इन्हें गेमिंग मोबाइल फोन्स भी बनाने पड़ेंगे। यही वजह है कि अगर आप लेनोवो की बात करते हैं, जिनके जनरली लीजियन उनके लैपटॉप की सीरीज होती थी, तो उनने भी अब इस सीरीज को मोबाइल फोन पर यूज कर दिया है। हमने सेम चीज एसस की तरफ से भी देखी है कि उनने भी यही हरकत की है कि अपनी आरओजी सीरीज जो कि उनकी गेमिंग कंप्यूटर सीरीज थी उसको मूव किया है मोबाइल फोन के ऊपर। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, गेमिंग जो है मोबाइल पे बहुत ज्यादा होने लगी है। एक पीसी पे बैठ के कोई इतना गेमिंग नहीं करता, आप गेम कर सकते हो, और स्पेशली जो
ऑनलाइन गेम्स हैं वो मोबाइल पे सही चल रही है। अब आगे सर्वर्स पे आ जानी है तो फिर उस टाइम पे तो वैसे ही एग्जैक्टली। ओके भाई, हमें रोज खबर देखने को मिलती है कि ये कंपनी फोल्डेबल फोन बना रही है और वो कंपनी फोल्डेबल फोन बना रही है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो फ्लेक्सिबल डिस्प्लेज की टेक्नोलॉजी है वो बहुत कम कंपनीज के पास मौजूद है। और अगर आप बात करते हैं बड़े मैन्युफैक्चरर्स की जो कि बड़े स्केल के ऊपर इसको कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लेट्स से आप एप्पल हैं और आपने एक नया मोबाइल फोन लॉन्च करना है तो आप ये नहीं कर सकते कि आप छोटे छोटी तीन चार फैक्ट्रीज को कहें कि भाई हमें सप्लाई दे दो, आपको किसी बड़े बंदे के पास जाना पड़ेगा, किसी बड़े मैन्युफैक्चरर के पास जाना पड़ेगा जो कि बड़े स्केल के ऊपर मैन्युफैक्चर कर सके, ताकि अगर आपको सप्लाई चाहिए हो तो वो प्रोवाइड भी कर सके। और इस केस में जो टॉप एंड नाम है फोल्डेबल डिस्प्लेज में वो कौन है भाई जिसके फोल्डेबल सबसे ज्यादा चलते हैं, यानी कि सैमसंग। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पॉइंट पर सैमसंग, गूगल, ओप्पो, शाओमी और एप्पल इन सब के लिए जो फोल्डेबल डिस्प्ले है उन पे काम कर रही है। और ऑफिशियली जो चीज कंफर्म है उनमें गूगल, ओप्पो और शाओमी है। एप्पल का जो आईफोन फ्लिप है क्योंकि वो कहीं पर ऑफिशियली आया नहीं है तो उसके बारे में आप कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन ये सब कंपनीज के लिए फोल्डेबल डिस्प्ले बनाए जा रहे हैं, जो कि हमें दो चीजें बताती है। पहली चीज तो कि सैमसंग बैकएंड पे कितनी स्ट्रांग है, और दूसरी चीज कि ये जो कंपनीज है फोल्डेबल फोन्स पे काम कर रही हैं, तो 2021 के एंड तक हमें फोल्डेबल फोन्स जो है वो सब ब्रांड्स की तरफ से देखने को मिल जाएंगे। ओके, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की है, और ये खबर आ रही है इलॉन मस्क की तरफ से, जो कि रोज कोई ना कोई नई हरकत कर देते हैं। खैर, इनका एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ये सैटेलाइट्स को काफी ज्यादा सैटेलाइट्स को छोटी छोटी सैटेलाइट्स को पूरी दुनिया पे छोड़ना जा रहे हैं और इवेंचुअली उन सैटेलाइट्स के थ्रू आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। मैंने ये बहुत टाइम पहले सुनी थी खबर, लेकिन वो गेम ये है कि नॉर्मल कनेक्शन जब आप लोकल दुनिया की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा मसला आता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंटरनेट कनेक्शन की बात करते हो तो आपने ये चीज नोटिस की होगी, जो बड़े शहर होते हैं उनमें बहुत तेज इंटरनेट होता है, छोटे शहरों में नहीं होता, क्योंकि वहां तक वायर पहुंचाना, वहां टावर लगाना एक काम होता है। जबकि अगर आप बात करते हो सैटेलाइट्स की, तो सैटेलाइट आप कहीं पर भी चला सकते हो, उसमें ये नहीं है कि भाई इस मुल्क के ऊपर सैटेलाइट नहीं आएगी, उस मुल्क के ऊपर सैटेलाइट नहीं आएगी, यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे ये चीज है, सैटेलाइट तो ऊपर है। तो उस चीज को इंपॉर्टेंट तौर पर यूज करते हुए यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज की जा रही है वो ये की जा रही है कि यहाँ पर जो सबसे पहले लोग हैं जो इसको यूज करेंगे उनमें आयरलैंड की एक ऐसी काउंटी है जिसको कैरी कहा जा रहा है। इस काउंटी के अंदर गेम ये है कि ये आयरलैंड का लास्ट एरिया था जहां पर टेलीफोन कनेक्शन पहुंचा था, सबसे आखिर पे पहुंचा है, तो उस हिसाब से ये बड़ा रिमोट एरिया है, लेकिन यहाँ पर ये जो इंटरनेट है हाई स्पीड प्रोवाइड किया जाएगा। और इससे ये चीज प्रूफ की जाएगी कि इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि उन एरियाज में भी जा सकता है जहां पर नॉर्मली वायर बिछाना मुश्किल है, या जहां पर नॉर्मली आप वायर जब गुजारोगे तो बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, जबकि सैटेलाइट को वहां पहुंचाना कोई काम नहीं है। ओके, नेक्स्ट न्यूज बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज है, जहां पर सैमसंग ने 2021 के लिए अपने जो फ्रेम टीवी का लाइनअप है उसको रिवील कर दिया है। ये 4K QLED TVs हैं, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर जो प्राइस टैग है वो बड़ा बहुत बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है इनके अंदर। उसकी रीजन ये है कि सैमसंग के ये फ्रेम टीवीज बिल्कुल बेजललेस है, मतलब आप इनको दीवार पे लगाते हो आपको ऐसा लगता है कि दीवार पे पोस्टर लगा हुआ है, ये इतने पतले हैं, लेकिन फिर भी इन टीवीज की जो प्राइसिंग है वो स्टार्ट हो रही है $1000 से। जो इसका 43 इंच वाला वर्जन है वो $1000 से स्टार्ट हो रहा है, और ये जाते हैं ऊपर 50 इंच, फिर 75 इंच तक, जो कि $3000 तक जा रहा है। तो महंगे हैं, इनमें महंगे वर्जन भी हैं, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि अब सैमसंग जिस तरह अपने मोबाइल फोन लाइनअप में कम प्राइस टैग को टारगेट कर रही है, उसी तरह टीवी वाली साइड पर भी वो कंज्यूमर अब टारगेट में आ रहे हैं जो कि जनरली सैमसंग टारगेट नहीं करती थी। सैमसंग उनको प्रीमियम कंसिडर नहीं करती थी, प्रीमियम कस्टमर, लेकिन अब जो है वो टारगेट किए जा रहे हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और देखने में आएगा कि अब बाकी ब्रांड्स क्या करते हैं, क्योंकि जब सैमसंग का नाम आ जाता है तो हर बंदा सैमसंग लेगा, तो देखते हैं कि बाकी ब्रांड्स इस पे कैसे। तो पहले लोग दूसरी ब्रांड इसीलिए लेते हैं कि ऑप्शन नहीं होता था, लेकिन अगर सैमसंग अच्छा ऑप्शन दे देगी इस प्राइस में, बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है वो रियलमी नार्जो सीरीज के रिलेटेड आ रही है, जहां पर रियलमी नार्जो 30 प्रो और नार्जो 30A फाइनली ऑफिशियली रिवील कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो प्रो मॉडल है वो 5G सपोर्ट के साथ है, 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले के साथ है, और इसके साथ साथ कुछ TWS ईयरफोन्स भी लॉन्च किए गए हैं। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो इनके ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च हुए हैं या जो नार्जो 30A लॉन्च हुआ है, NDA चल रहा है मेरा, अल्लाह हाफिज, आगे चलते हैं। जिनको समझ आ गई है उनको समझ आ गई है, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन भाई सरप्राइज, मैं जब सरप्राइज कह देता हूँ मेरी जो ऑडियंस समझ आती जिनको है। समझ आ गई है ना, वो जरा कमेंट में बता देंगे मैंने कहा क्या है, मैं खुद कुछ नहीं कह रहा।
नेक्स्ट न्यूज आ रही है GTA 6 के रिलेटेड, जिसके बारे में हमने पहले भी खबर दी थी कि GTA 6 जो है वो GTA Vice City वाले शहर में आगे का फ्यूचर शो करने वाली है। जिस तरह अगर आप बात करते हैं GTA San Andreas की, तो San Andreas के अंदर जो शहर था उसको GTA 5 में उन्होंने दोबारा फ्यूचर में शो किया है, तो जो GTA Vice City में मायामी का शहर है उसी को यूज करने वाली है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि GTA 6 के बाद शायद GTA एंटायरली डिफरेंट तरीके से लॉन्च हो, और वो तरीकाकार ये है कि शायद आपको ये चीज भूलनी पड़े कि आप GTA के नए वर्जन में एंटायरली डिफरेंट कैरेक्टर्स में जाएंगे और ये चीजें होंगी, और शायद ये हो कि जब कोई नया वर्जन आए तो बेसिकली वो एक मैप की अपग्रेड हो, और उस मैप की अपग्रेड के साथ आपको स्टोरी की वहीं से स्टोरी आ गई। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर लेट्स से GTA 5 जो है उसका एक शहर है, तो जब GTA 6 आए तो आपको उसी शहर के साथ एक नया शहर देखने को मिल जाए, जिसके अंदर आपकी जो स्टोरी है वो उसी तरह से जहां पे आपकी लास्ट हुई है उससे आगे वो, हाँ मतलब जो गन्स आपके पास मौजूद है, जो गाड़ियां, जो प्रॉपर्टीज आपके पास मौजूद है, वो सारी वैसे ही मौजूद रहे, और आप आगे एक्सप्लोर दूसरे शहर में जाए वो ओपन हो जाए आपके लिए, और वहां पर जाकर आप दोबारा जो स्टोरी है उसको आगे मूव करें। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सबको करने के पीछे जो रॉकस्टार वालों की सबसे बड़ी इंटेंशन है वो ये है कि इसमें एक तो फायदा ये मिलेगा कि रॉकस्टार को बहुत ज्यादा चीजें इकट्ठी नहीं करनी पड़ेगी। अभी क्या होता है कि GTA लॉन्च होती है, उसके बाद GTA ऑनलाइन तो अच्छी चलती रहती है, लेकिन वैसे GTA में कुछ नया नहीं हो रहा होता, लेकिन इस केस में वो थोड़ा थोड़ा करके रेगुलरली कर सकते हैं, वो मैप में अपडेट तो डालते जाएंगे, मतलब आपको रोज कोई ना कोई नई चीज देखने को मिल जाए, और इससे ऑनलाइन वाली जो दुनिया है उस पर उनको बहुत एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि अब हर कंपनी जो है वो ऑनलाइन गेमर्स को टारगेट कर रही है, तो उस साइड से भी जो रॉकस्टार है वो काफी ज्यादा पैसे कमाएगी। देखते हैं ये असल में होता है या नहीं। वो जो ऑनलाइन गेमिंग की बात हम कर रहे थे सर्वर्स पे आने की, क्या ये आएगी ऐसा, हो सकता है GTA का? यार हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू जस्ट नीड अ गुड प्रोसेसिंग पावर वाला पीसी, अगर ये नॉर्मल पीसी पे काम कर रही है तो उस पे भी हो सकती है, लेकिन अगर ये आएगी भी ना तो मुझे लगता है कि रॉकस्टार वाले अपनी सब्सक्रिप्शन सर्विस ऑन करेंगे, ये गूगल वालों को या इनके अपने गेम्स है ना। हाँ एग्जैक्टली। ओके फाइनल जो न्यूज हमारे सामने आ रही है ये भी रियलमी की तरफ से आ रही है, जहां पर रियलमी ने जो नार्जो सीरीज लॉन्च की है उसके साथ कुछ नई चीजें भी लॉन्च की हैं, जिनमें एक तो बैक कूलिंग क्लिप है जो कि आपके मोबाइल फोन के बैक पे लग जाएगा और आपके मोबाइल फोन को कूल करेगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि इससे पहले हमने किसी भी मोबाइल कंपनीज की तरफ से ये चीज नहीं देखी कि आपको यहाँ पर ये सारी डिवाइसेस के मिले, और ये रियलमी का जरूर है लेकिन आप इसको दूसरे फोन पे भी यूज कर सकते हैं, और ये चार्जिंग की फैसिलिटी, और अगर किसी फोन में आता था तो फिर उसके वेट का वो अंदर जग लगाने से काफी चीजें। उसके अलावा रियलमी ने एक मोबाइल गेम कंट्रोलर को भी लॉन्च किया है, और उसके अलावा मोबाइल गेमिंग के लिए फिंगर स्लीव्स भी लॉन्च किए हैं, जिनको आप अपनी फिंगर पे पहनते हैं तो आपको जो टच का कंट्रोल है वो जरा बेटर मिल जाता है, आप ज्यादा देर गेमिंग करते हैं तो वो जो फिंगर पे निशान पड़ जाते हैं वो नहीं पड़ते। तो गेमिंग के अंदर रियलमी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, रियलमी GT जो कि उनकी टॉप एंड डिवाइस है वो भी ऑलमोस्ट गेमिंग के ऊपर, इससे आपकी डिवाइस को कोई मसला नहीं होगा, जिस टाइम पे आपको ये चाहिए उस टाइम पे आप लगा सकते हैं। Exactly. ये नहीं कहा जाएगा कि ये लगाना था तो हमने ये चीज कम की है। Exactly. तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आप दूसरे फोन्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये एक्सेसरीज जैसे ही पाकिस्तान में आएंगी आपको देखने को मिल जाएंगी, होपफुली हम ही लॉन्च करेंगे तो वो चीज भी मौजूद है। नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया तो कर लें। दिस इज मी एंड असद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।